बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर इन दिनों मुंबई की कोकला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रणधीर कपूर का जहां पर इलाज चल रहा है, बताना चाहेंगे आप सभी को कि रणधीर कपूर भी कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। पूरे देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामले सामने आते ही जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो फैंस अब रणधीर कपूर की सेहत को लेकर प्रार्थना करते हुए देखे जा रहे हैं। हाल ही में रणधीर कपूर की हेल्थ अपडेट सामने आई है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि बीते शुक्रवार के दिन जैसे ही खबर सामने आई कि रणधीर कपूर को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, तो फैंस काफ़ी चिंतित नजर आए। लेकिन रणधीर कपूर की सेहत को लेकर राहत भरी खबर सामने आ चुकी है। खबर आई है कि अब उनकी सेहत में पहले से सुधार है। दरअसल रणधीर कपूर को आईसीयू में एडमिट किया गया था ऑब्जर्वेशन के लिए। उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहेंगे कि रणधीर कपूर ने भी स्टेटमेंट जारी किया था और बताया था कि डॉक्टर्स को उनके कुछ और टेस्ट लेने हैं, जिस वजह से उन्हें इंसेंटिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। रणधीर कपूर ने बताया कि अस्पताल में मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि टीना अंबानी भी हर चीज़ कंट्रोल में है। वे मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। पूरे टाइम डॉक्टर्स की टीम मेरे आसपास रहती है। इससे पहले ही रणधीर कपूर ने ये बताया कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज वह ले चुके हैं और उन्हें नहीं पता था कि वह कैसे कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आ गए। फिलहाल देखा जाए तो रणधीर कपूर की सेहत में अब पहले से काफ़ी सुधार है और फैंस के लिए ये राहत भरी खबर है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 News.